बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। दोस्तों, बात करें आईने पाकिस्तान की, और आज हम रखेंगे आपके सामने आर्टिकल नंबर 244 और 245। दोस्तों, आर्टिकल 244 है मुसल्लह अफवाज का लफ, ओथ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज का हर रुकन जदवल स्वयं में दी गई इबारत के तहत अलफ उठाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 245 है, 245 है मुसल्लह अफवाज के कारा मनसबी, फंक्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस। इस आर्टिकल की शिक नंबर 1 में कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज वफाकी हुकूमत की हदायात के तहत बैरूनी जारियत या जंग के खतरे के खिलाफ पाकिस्तान का दिफा करेंगी, और कानून के ताबे शहरी हुकाम की इमदाद में जब ऐसा करने के लिए तलब किए जाएँ काम करेंगी। और इसी तरह शिक नंबर 2 ये कहती है कि शिक नंबर 1 के तहत वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी शुदा किसी अदायत के जवाज को किसी अदालत में जेर एतराज नहीं लाया जाएगा। और शिक नंबर 3 में कहा गया है कि कोई अदालत आलिया किसी ऐसे इलाके में जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह फौज फिल वक्त आर्टिकल नंबर 245 की तमील में शहरी हुकाम की मदद के लिए काम कर रही हूँ, आर्टिकल नंबर 199 के तहत कोई अख्तियार इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर शर्त यह है कि इस शिक का इस दिन से ऐन कबल जिस पर मुसल्लह फौज ने शहरी हुकाम की मदद के लिए काम करना शुरू किया हो, किसी ज़ेर समात कार्रवाई से मुतलक अदालत आलिया के इख्तियार समात को मुतासर करना मुतसवर नहीं होगा। और शिक नंबर 4 ये कहती है कि शिक नंबर 3 में मौला किसी इलाका से मुतलक कोई कार्रवाई जिसे इस दिन या इसके बाद दायर किया गया हो, जबकि मुसल्लह फौज ने शहरी हुकाम की मदद के लिए काम शुरू किया हो और जो किसी अदालत आलिया में ज़ेर समात हो, इस अरसे के लिए मुअत्तल रहेगी, जिसके दौरान मुसल्लह फौज बय्यन तौर पर काम कर रही हो।